हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैर से होंगे, ठीक ठाक होंगे। गाइस, आज मैं नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। आज हम करने जा रहे हैं बोया के दो माइक हैं, ठीक है, इनकी अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं बोया के माइक की। तो चलिए शुरू करते हैं। एक न्यू वेरिएंट है, एक ओल्ड वेरिएंट है, दोनों के बारे में जानेंगे कौन सा सबसे बेस्ट है। तो वीडियो करते हैं शुरू बिना टाइम वेस्ट किए। जिसने बाई करनी है लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं। तो गाइस, ये दो माइक थे मेरे पास बोया के, ठीक है। ये जो उनसे बोया का माइक है, ये न्यू मॉडल आया, ठीक है, 2020 का। और ये थोड़ा ओल्ड मॉडल है, लेकिन ये बिल्कुल ओरिजिनल और प्रोफेशनल दोनों हैं, ठीक है। इसका काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है, ये माइक का। और ये अभी ओरिजिनल आया है, ठीक है। छोटे यूट्यूबर जो अभी चैनल अपना ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये उनके लिए है। और ये प्रोफेशनल यूट्यूबर्स के लिए है, ठीक है। तो दोनों आपको मैं अनबॉक्स करके दिखाऊंगा। पहले आपको मैं ये अनबॉक्स करके दिखा दूँ, ये मैं बाद में करता हूँ, ठीक है। मॉडल नंबर देख सकते हैं, BY M1 BY M01, ठीक है। ये M1 है, ये M01 है, इसका लेटेस्ट मॉडल है, ठीक है। चीज़ सेम ही है, ठीक है, क्वालिटी भी सेम ही होगी, आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। बस प्राइस में डिफरेंट है, प्राइस इसकी डिफरेंस है, वो भी आपको मैं शो कर दूँगा। और जिसने बाय करना होगा लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इसको अनबॉक्स करते हैं यहाँ से। सिंपल पैकेजिंग है, आप ले सकते हैं, ये डिब्बे पे कोई ख़ास चीज़ें नहीं है। आप पीछे पढ़ सकते हैं कि कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर में यूज़ होगा, कैमरे में यूज़ होगा। 3-4 पिन अडाप्टर भी आप ले के लगा सकते हैं, ठीक है। इसको ये मैंने ओपन किया, इसके बीच में मुझे मिलता है ये माइक, ठीक है। ये माइक आगे बोया का, ठीक है, M012 मॉडल है। तो इसको मैं खोलता हूँ, आप देख सकते हैं क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये देखें गाइस, आप बिल्ड क्वालिटी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। स्टील की जो सी बॉडी है, आवाज़ आपको आ रही होगी, काफ़ी शाइनी है ऊपर से। और ये ऊपर ये नेट की लगी हुई है जाली, देख सकते हैं आप। फोकस करूँ तो ये देख सकते हैं आप, नेट की जाली आपको नज़र आ रही होगी। ये देखें, नज़र आ रही नेट की जाली आपको। और ये सारे हमें इसका मिल जाता है बूफर, ठीक है, इसके ऊपर आप लगा सकते हैं इसको, ठीक है। और ये कॉलर माइक आपको मिल जाता है, काफ़ी यूनिक है कॉलर माइक, देख सकते हैं आप, यूनिक है बिल्कुल। और इसकी लेंथ मेरे ख्याल से 2 मीटर तक होगी, 1.5-2 मीटर तक होगी लेंथ, हाँ 2 मीटर की लेंथ है, देख सकते हैं, काफ़ी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। चेक भी आपको मैं करवा देता हूँ, ठीक है। क्वालिटी दोनों की सेम है, ठीक है, मतलब काम दोनों का सेम है, बस प्राइस में डिफरेंट है। ये वाला जो सा माइक है, ये नॉइस कैंसिलेशन भी करता है, मतलब आपकी बैकग्राउंड में कोई भी नॉइस आ रही होगी वो ये कैंसिल भी करेगा। और ये माइक है, ये सिंपल है, मतलब जो अभी यूट्यूब पर ग्रो करना चाहते हैं, ग्रो कर रहे हैं, उनकी बजट के लिए काफ़ी है। ये देखें, ये मैं मोबाइल में करता हूँ 3.mm का जैक, ठीक है, ये लग के आ जाएगा, आपको भी मैं चेक करवाता हूँ। तो गाइस, ये मैंने एक माइक टेस्टर के नाम पे मैंने एक ऐप डाउनलोड कर लिया, ठीक है। ये मैं माइक लगा रहा हूँ, इंसल्ट कर रहा हूँ, ये इंसल्ट हो गया, ठीक है। ये माइक है आपको टेस्ट करवाने के लिए, ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। अभी मैं इसमें बोलूँगा, आप देखना, ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ऑन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, रिकॉर्डिंग हो गई, अब आपको मैं प्ले करके सुनाता हूँ, आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल है, ठीक है। आपको इसकी मैं साउंड लास्ट में सुना भी दूंगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा माइक है, ठीक है, इसको आप करते हैं साइड पे, दूसरा लाते हैं। तो गाइस, अब करते हैं बोया M1 को, ठीक है, अनबॉक्स। देख सकते हैं आप, इसका ये स्टिकर भी लगा हुआ है ब्रांडेड। तो इसको करते हैं अनबॉक्स, इसके पीछे आप पूरा देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, आप आराम से देख के पढ़ सकते हैं, ठीक है, वीडियो को पॉज करके।
और काफ़ी ज़्यादा इसमें इंस्ट्रक्शन वगैरह दी गई हैं, आप किन किन चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं ये देखें। कंपैटिबल विद मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, कैमरा एंड एनीथिंग। ठीक है, अब इसको करते हैं अनबॉक्स। जैसे पैकेजिंग उसकी थी वैसे ही है, और थोड़ी सी लुक चेंज है। इसके अंदर हमें मिलता है कुछ प्रोफेशनल की तरह एक बैग मिलता है बोया का, ऊपर बोया का लोगो है, बीच में हमें कुछ मैनुअल मिलती हैं। ठीक है, और ये देखें साथ में इसका मिलता है एक वारंटी कार्ड। ठीक है, और ये है बोया का मैनुअल, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है, ज़रूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। तो इसको खोलते हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये इन दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्राइस भी आपको शो हो रही होगी, आप देख सकते हैं। ये इसका सामान है, वायर इसकी काफ़ी लंबी है, ठीक है, मुझे याद नहीं कितने मीटर की है, लेकिन मैनुअल के ऊपर लिखा होगा कितने मीटर की वायर है। ठीक है, साथ में मिलता है एक ये, और ये जो उनसे होती है बीच में मेडिसिन वगैरह जो उनसे होती है, ये डॉक्टर की है। ठीक है, ये माइक है बोया का, इसका भी आपको मैं पूरा रिव्यू देता हूँ, बताता हूँ क्या चीज़ है क्या नहीं। ये देखेंगे आज, ये बोया का माइक आपको मिल जाता है, ये इसका कूलर भी है यहाँ पर, कूलर लगाने के लिए सारा सामान बीच में ही है। ठीक है, और ये भी है लगाने के लिए, मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। ये माइक है, ये एक ड्राइवर आप कह सकते हैं, जो कैमरा और स्मार्टफोन के अंदर होता है, मतलब आप इसको अगर सेंटर में कर देंगे माइक ऑफ हो जाएगा, ऊपर करेंगे कैमरे, देख आप देख सकते हैं, ऊपर करेंगे कैमरे की तरफ चले, मतलब कैमरे में रिकॉर्डिंग शुरू कर देगा, मतलब अगर आपका DSLR कैमरा है उसमें कर देगा, मोबाइल स्मार्टफोन में नीचे करेंगे स्मार्टफोन में करेगा, ऑफ़ करना ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी जैक है, आप देख सकते हैं 3.5 mm का 4 पिन्स वाला जैक है। यहाँ पर हमें एक टाई भी दी गई है ब्रांडेड बोया की, क्योंकि केबल है काफ़ी बड़ी है, काफ़ी लंबी केबल जा रही है, और हमें बीच में इसके एक और चीज़, बस यही चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसके अंदर साथ साथ में आपको ये बैग भी दिया गया, आप इसको कैरी कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। अब इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या चीज़ें हैं, जहाँ तक मेरा है यहाँ पर हमें मिलता है एक हमें मिलता है सेल। ठीक है, ये सेल मिलता है, सेल इसके अंदर लगेगा, नॉइस कैंसलेशन का काम करेगा सेल। ठीक है, साथ में हमें मिलता है एक ये माइक के ऊपर लगाने वाला फोम। ठीक है, और साथ में हमें मिलता है इसका क्लिप। ठीक है, और साथ में हमें मिलता है इसका जैक, ये आप किसी भी बड़े से एम्पलीफायर में लगा के, मतलब स्पीकर वगैरह में, कन्वर्टर है 3.5 को कन्वर्ट कर देता है 5 पॉइंट के अंदर, मेरे ख्याल से यहाँ 6 पॉइंट के अंदर, मुझे याद नहीं है, ये कन्वर्टर है। ठीक है, एम्पलीफायर का, और ये माइक के ऊपर लगाने वाला फोम है। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं इसका सेल कहाँ पर लगेगा। सेल आपको मैं लगाने का बता रहे तरीका, आपने इसे ऐसे पुश करना है, ये देखें, ये आपका ऐसे ओपन हो जाएगा। ये देखें, ये आपका ऐसे ओपन हो गया, फिर आपने इसको करना है साइड पे, और ये आपका हो जाएगा ओपन। अब आपने सेल इसका डालना है, यहाँ पर तरीका डाला हुआ है इन्होंने, मैं देख लेता हूँ एक दफ़ा, फिर आपको मैं बताता हूँ। ये देखें गाइस, यहाँ पर आपको साइन मिल जाएगा प्लस का, पॉजिटिव का, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर पॉजिटिव का साइन बना हुआ है, ये आएगा इस साइड पे, ये देखें ऊपर, यहाँ पर आपको इंडिकेट कर रहा है। लेकिन इंडिकेट आपको कर रहा है, इधर फोकस कर लूँ,
ये देखें ऊपर आ रहा है प्लस और माइनस का इंडिकेटर आपको नज़र आ रहा होगा। जो प्लस वाली जगह है ये देखें, ये वाली ये आएगी इस साइड पे और ये आएगी इस साइड पे। ये देखें ये सिंपली ऐसे इंसल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको बंद कर दें, एक ऐप है इसका, ये देखें ये बीच में ला के इसको आप ऐसे बंद कर दें, ये हो गया बंद। ठीक है, ये माइक आपका अब हो गया है ऑन। ठीक है, नॉइस कैंसलेशन का ये ड्राइवर ही आप समझ लें। ठीक है, ये नॉइस कैंसलेट करेगा जो भी बैकग्राउंड में काम या मतलब जो भी शोर हो रहा होगा पीछे, इसको कैंसिल कर देगा। अभी आपको इसके मैं टेस्ट दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिएगा इसको भी मैंने कर लिया है स्मार्टफोन के ऊपर इसका मोड, और ये माइक है इसको मैं मोबाइल के साथ मैंने कनेक्ट कर लिया। अब इसको मैं टेस्ट करने वाला हूँ। ठीक है, आप ज़रा साउंड क्वालिटी ज़रा टेस्ट कीजिए, सुनिएगा। ठीक है, हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। गाइस ये रिकॉर्ड इसने निकाल लिया है, मैं आपको सुनाऊंगा इसका साउंड, ज़रा सुनिएगा। ये गाइस आपको आवाज़ इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने इसके ऊपर अभी तक कवर नहीं लगाया, ये देखें, क्योंकि एयर इसके साथ अट्रैक्ट होती है जब मैं बोलता हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने इसके ऊपर वो नहीं लगाया, ये वाला फोम जो सा होता है ये एयर को जाने नहीं देता, तो इसलिए आपको आवाज़ ऐसी आ रही है। मैं आपको दोबारा चेक करवा देता हूँ, मैं माइक थोड़ा दूर रखता हूँ। ठीक है, ज़रा टेस्ट कीजिएगा, चेक कीजिएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। माइक टेस्टिंग, ये देखें भाई, तो मैंने काफ़ी पीछे रख के इसको किया है, अब ज़रा आप इसकी आवाज़ सुनिए। देख सकते हैं आप इसकी आवाज़ में कितनी क्लियरनेस है। ठीक है, कोई भी ऐसी आवाज़ नहीं जैसे मतलब फटी आवाज़ आती है, बिल्कुल ठीक नहीं आती। ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल आवाज़, मतलब क्लियर आवाज़ है। अभी पीछे मतलब रात का टाइम है तो पीछे वगैरह शोर वगैरह नहीं है, इसलिए आपको क्लियर आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो शोर भी होगा, आपने इसको ऑन कर देना है, आपको बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल ज़ीरो मीटर नॉइस कैंसलेट कर देगा टोटली। तो अगर आपने इसको बाय करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ में जो भी आपको सामान मैंने दिखाया सभी कुछ मिलेगा, कोई भी एक चीज़ कम नहीं होगी। साथ में इसको अगर आप बाय करते हैं, आप इसके अगर फर्स्ट मतलब फर्स्ट टाइम इसको बाय करते हैं मेरी दराज की शॉप पे, तो आपको एक गिफ्ट वाउचर भी साथ में मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो कीजिए लाइक, चैनल कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।